नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुजश्तर चौबीस घंटों के दौरान एक हजार एक सौ तिरसठ नए केसेस रिपोर्ट हुए पंजाब में एक लाख बहत्तर हजार छह सौ सिंध में दो लाख अट्ठावन हजार चार सौ बारह खैबर पख्तूनख्वा में बहत्तर हजार छह सौ पंद्रह बलोचिस्तान में उन्नीस हजार छियासठ गिलगित बल्तिस्तान में चार हजार नौ सौ छप्पन इस्लामाबाद में चवालीस हजार पाँच सौ सोलह सो जबकि आजाद कश्मीर में दस हजार दो सौ अस्सी केसेस रिपोर्ट हुए मुल्क भर में अब तक नब्बे लाख बाईस हजार एक सौ चौबीस अफराध के टेस्ट किए गए चौबीस घंटों के दौरान इकतीस हजार नौ सौ अड़तालीस नए टेस्ट किए गए अब तक पाँच लाख सैतालीस हजार चार सौ छह मरीज सेहत याब हो चुके हैं जबकि एक हजार पाँच सौ उन्नीस मरीजों की हालत तश्वीशनाक है पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में बयालीस अफराद जाबाहक हुए हैं जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद बारह हजार नौ सौ अड़तीस हो गई। पंजाब में पाँच हजार तीन सौ इक्यानवे सिंध में चार हजार तीन सौ तिरपन खैबर पख्तूनख्वा में दो हजार पिचासी इस्लामाबाद में पाँच सौ एक बरे सगैर में दो सौ गिलगित बल्तिस्तान में एक सौ दो और आजाद कश्मीर में तीन सौ छह मरीज जान से हाथ धो बैठे वज़ी अजम इमरान ख़ान ने कहा है कि अपोजिशन सैनट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है हमारे अरकान से रते हो रहे हैं मगर हम मुतहद हैं वजीर अज़म इमरान खान से वजी ख़जाना हफीज़ शेख ने मुलाकात की है जिसमे सैनेट इंतबात से मुतालिक मुतालिकमत अमली पर गौर किया गया हफीज़ शेख ने हुयदी अरकान से मुलाकातों के बारे में आगाह किया इस मौके पर इमरान खान का कहना था की अपोजीशन सैनिट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है इसी शफाफ इंतबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था इमरान खान से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की वजीर अला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुशीर खजाना हफीज शेख भी मुलाकात में मौजूद थे इस मौके पर वजीर आज़म का कहना था अवी नुमाइंदों की तरफ से उठाए गए मसायल हल करेंगे पहली बार पसमानदा इलाकों को ज्यादा तरक्याती मनसूबे दिए जा रहे है हमारी हुकूमत की तरजीह आम आदमी और पसमानदा इलाके हैं ख्याल रहे कौमी असम्बली में पी टी आई की एक सौ सत्तावन निश्तें हैं इतिहादियों में एम क्यू एम की सात मुस्लिम लीग का और बी ए पी की पाँच पाँच जी डी ए की तीन शेख रशीद की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमहूरी वतन पार्टी की एक एक निश्चित, जबकि एक आजाद उम्मीदवार असलम भोतानी के साथ खड़े हैं। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में 180 सौ अस्सी अरकान की हिमात हासिल है दूसरी तरफ मुतहदा अपोजीशन की जमातों में ऐसी मुस्लिम लीग नून की तिरासी पीपल्स पार्टी की पचपन मुता मजलिस अमल पाकिस्तान की पंद्रह ए एन पी और जमात इस्लामी की एक एक निश्त जबकि तीन आजाद उम्मीदवारों का साथ भी हासिल है मुतहदा ऑपोजिशन के मजमुई अरकान की तादाद एक सौ इकसठ बन जाती है यूँ विफाक की जर्नल नशिस्त पर अपोजीशन को जीतने के लिए हुकूमती इतिहाद में से दस वोट तोड़ने होंगे इस वक्त कौमी असम्बली का अवान तीन सौ इकतालीस अरकान पर मुश्तमिल है अगर तमाम वोट कास्ट होते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को एक सौ इकहत्तर वोट दरकार होंगे अगर तमाम वोट कास्ट नहीं हो पाते तो कास्ट वोटो में ऐसी इक्यावन फीसद वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार करार पाएगा

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा की नज़रसानी दरखास्तों की लाइव कवरेज ऐसी मुतालिक दरख्वास्त समात हुई जिसमें अदालत ने मुनिर ए मलिक की बीमारी के बायस जस्टिस काजी फाइज को दलाल देने की इजाज़त दे दी जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी से मकालमा किया कि अपनी दरख्वास्तों में उठाए गए नुकात आरोप दलाइल दे दाएँ बाएँ बैठे जजेस इतनी तफसलत सुनकर फोकस नहीं कर पा रहे लिहाजा बेहतर होगा की बरह रास्त असल मुद्दे पर आए जस्टिस काजी फाइज ने दलाइल देते हुए कहा कि ज्यादा चालाक न होने की वजह से अपना नुकता समझा नहीं सका दो साल से मेरे खिलाफ हुकूमती प्रोपोगा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज और अहल खाना के खिलाफ सरकारी चैनल से प्रोपोगंडा किया गया मसला दस लाख तनख्वाह का नहीं बल्कि मुल्क के मुस्तबिल का है और मैं ये जंग अपने इदारे के लिए लड़ रहा हूँ अपने दलाइल के दौरान जस्टिस ईसा जज्बाती हो गए और अदालत से सवाल किया कि अगर आप मेरी जगह आपकी अहलिया और बच्चे होते तो आप लोग क्या करते कल को किसी भी जज को प्रोपोगेंडा में घसीटा जा सकता है अगर फाजिल जजिस को कोई बात गिरा गुजरी हो तो माजरत चाहता हूँ जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि आज मुल्क में मीडिया की हालत देख लें सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया जाता है और सहाफ़ियों के अगवा पर वजी आजम कहते हैं मुझे क्या मालूम क्या हुआ सहाफ़ियों पर तशद्द हुआ किसी ने इंक्वायरी तक नहीं की जिम्मेदारों का नाम बताऊँ तो मेरे खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा बाद अजा अदालत ने जस्टिस काजी के दलाइल के दौरान ही समाज बुद्ध तक मुलतवी कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुराने तरीके से सैनेट इंतबात कराने का फैसला कर लिया इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा है कि वक्त कम होने के बायस तरीका कार नहीं बदला जा सकता चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास हुआ जिसमें चारों इलेक्शन कमीशन अरकान ने शिरकत की इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल दरामद के लिए खसूस कमेटी कायम कर दी और चार हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामी में कहा की सैनेट इलेक्शन रायशुमारी होंगे सैनेट इंतबात में बैलेट पेपर माजी की तरह का होगा इंतजामी मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद सैनेट इंतबाब के लिए मैदान सज किया इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग देते हुए कहा की इंतजामी मुहिम खत्म होने के बाद सियासी सरगर्मिया गैर कानूनी होंगी खिलाफ वर्जी आरोप सख्त कार्रवाई की जाएगी पड़ोसी मुल्क भारत की निजी फिजाई कंपनी इंडिगो की परवास सिक्स ई वन फोर वन टू शारजा ऐसी लखनऊ जा रही थी के दौरान परवास एक मुसाफिर की तबीयत खराब हो गयी मुसाफिर की हालत को देखते हुए तैयारे के कप्तान ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऐसी रहा किया और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद आरोप तैयारे को उतारने की इजाज़त मांगी पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुक्म ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद आरोप तैयारे को हंगामी लैंडिंग की इजाजत दी ताहम मुसाफिर को बचाया न जा सका कराची एयरपोर्ट हुकाम का कहना है की हबीबुर रहमान नामी जिस भारतीय मुसाफिर के लिए तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की वो तैयारे में ही खरी के हकीकी ऐसी जा मिला डॉक्टरों की जानब ऐसी मौत की तस्दीक दस्तावेजी कार्रवाई और जरूरी इकदाम के बाद भारतीय तयारा कराची ऐसी भारतीय शहर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया सिंध असम्बली के ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानब ऐसी अपने तीन मुनहरफ साथियों आरोप हमला कर दिया गया सिंध असम्बली इजलास में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के मुनहरफ एम पी एसम्बली पहुँचे करीम बख्श गबड़ू ने रजिस्टर में हाजिरी लगवाई हुकूमती अराकान ने तीनों एम पी ईस का इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ के मुनहरफ एम पी ईस की आमद पर शीद हंगामा आरई की गयी तहरीके इंसाफ के अरकान की जानब ऐसी बागी की पिटाई भी लगाई गयी पीटी आई और पीपल्स पार्टी के अरकान भी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए जबकि पीपल्स पार्टी अराकिन की जानब ऐसी तहरीके इंसाफ के अरा के दरमियान बीच बचाव की कोशिश भी की गयी सिंध असम्बली के इजलास के दौरान रुकन तहरीके इंसाफ सिद्रा इमरान और कीमाड़ी ऐसी मुंतब रुकन असम्बली शाहनवाज जदून को धक्के दिए गए वीडियो में सिंध असेंबली में हंगामा आरई के दौरान रुकन पी टी आई सईदी को सुबाई वजी मुकेश चावला को जमीन आरोप गिराते देखा जा सकता है दूसरी जानब डिप्टी स्पीकर की जानब से इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है दारुल दारकूमत में सऊदी सफारत कार की गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार जाबाक हो गया तफसलात के मुताबिक इस्लामाबाद के थाना शालीमार की हदूत में सऊदी सिफारत कार की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाबहक हो गया लाश को जब्ते की कार्रवाई के लिए पेम्स अस्पताल मुंतकिल जबकि गाड़ी में सवार शख्स को हिरासत में ले लिया गया पुलिस हुकाम का कहना है की जाबहक होने वाले शख्स की शनाख मोहम्मद इरफान के नाम ऐसी हुई है जो की फर्नीचर का काम करता था गाड़ी में सवार सिफारत कार फैसल बिन तरात को हिरासत में ले लिया गया है मालूम हुआ है कि फैसल बिन तरात सऊदी खाने में इंटर्नशिप एम्बेसडर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया हसन बर्नी का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन सिक्स का कोई मैच मुलतवी नहीं होगा मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे समयुल हसन बर्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल से 244 पीसीआर टेस्ट करवाए हैं फवाद अहमद पॉजिटिव हुए थे 244 में से तीन अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है उन्होंने बताया कि कोरोना मुस्बत आने वालों को करंतना कर दिया गया है इन अफराद के रिपीट टेस्ट जुमेरात को किए जाएंगे इस वक्त बबल के अंदर तीन सौ के करीब लोग हैं इस वक्त बबल के अंदर तकरीबन तीन सौ के करीब लोग हैं जिसमे प्लेयर्स है सपोर्ट स्टाफ है फैमिली है, ओनर्स है मैच ऑफिशल है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं नेशनल स्टेडियम के स्टाफ के भी टेस्ट हुए हैं ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ के भी टेस्ट किए जा चुके हैं पी के डायरेक्टर मीडिया ने कहा की एक ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ के भी टेस्ट किए जा चुके हैं जो हमारे एक का ब्रॉडकास्ट क्रू है उनके भी कल रैपिड टेस्ट हुए थे और आज पीसीआर टेस्ट हो गए हैं उन्होंने बताया कि तीन बजे पीएसएल की एक वर्चुअल मीटिंग की जा रही है मीटिंग में तमाम फ्रेंचाइज के ऑनर्स को में लेना है किसी भी प्लेयर को आइसोलेशन में नहीं भेजा गया है मास्क और डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है किसी प्लेयर को ये नहीं कहा गया कि वो आइसोलेशन में चला जाए या सेल्फ क्वारंटीन में सेल्फ आइसोलेशन में या क्वारंटीन में चले जाए ऐसी कोई बात नहीं है सिर्फ उनको ये कहा गया है की जस्ट एक्सरसाइज कॉशन समी बर्नी ने यह भी कहा कि बबल के अंदर आने से पहले तीन दिन आइसोलेशन जरूरी है श्रीलंकन प्रीमियर लीग के वक्त हालात मुख्तलिफ थे इस वक्त पूरी दुनिया की हालत मुख्तलिफ है खयाल रहे की इससे कबल पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन सिक्स के मैचेस चंद दिनों के लिए मुलतवी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था क्रिकेट टीम के सबिक ऑल राउंडर अब्दुल रजाक ने कहा है की पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है तमाम टीमों का कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है किसी भी टीम के बारे में पहले से ये बात नहीं कही जा सकती कि कौन सी टीम जीतेगी बैटिंग बॉलिंग में कांटे के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं अब तक होने वाले तमाम मैचेस में यही बात देखने में आई है कि जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसे एडवांटेज मिलता है यही वजह है कि पीएसएल में भी हर टीम बाद में बैटिंग को तरजीह दे रही है कराची के बाद लाहौर में मैचिस का इंतजार है यहाँ स्टेडियम जाकर मैचेस में बतौर सेलेक्टर खिलाड़ियों की कारदगी का जायजा लेना है सबक स्पिनर अब्दुल रहमान के मुताबिक पी में बेहतरीन क्रिकेट देख बहुत खुशी हो रही है हाई स्कोरिंग मैचेस में भी बाद में बैटिंग करने वाली टीम हदफ हासिल कर रही है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने जानदार मुकाबले हो रहे हैं लाहौर और कराची के दरमियान मैच में जुनून टक्कर जोशो खरोश मुकाबला बाजी समेत वो सब कुछ नजर आया जो टी ट्वेंटी फॉर्मेट का हुसन है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का परफॉर्म करना बहुत खुश आइंद है इससे न सिर्फ पी एस एल टीम को फायदा होगा बल्कि खेल के फरोख में भी मदद मिल रही है सबक टेस्ट क्रिकेटर हुमायूं फरहत लाहौर कलेंडर्स टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है की हाई स्कोरिंग मैचेस ऐसी लीग को बहुत मकबूलियत मिल रही है पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में रोशन हो रहा है